ओपी बी क्यू में एक स्क्वायर जो है वो बनाया जाता है इफ ओ ए इज 20 सेंटीमीटर. ओ ए आपको 20 सेंटीमीटर गिवन है. एंड फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, यूज पाई इज इक्वल टू 3.14. अब देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपको क्लियर कट देख के पता लग रहा है किसमें से क्या माइनस करना है. एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकल रहा है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर. ठीक है, स्क्वायर की मुझे साइड गिवन है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट के लिए आई नीड द रेडियस, बट रेडियस या ओपी या ओक्यू दिस इज नॉट गिवन टू मी. सो व्हाट आई हैव टू डू फर्स्ट, पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, रेडियस. ठीक है, हाँ रेडियस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे ओ बी. अब आपको पता है कि ये अगर आपके पास सर्कल का एक पार्ट है और सर्कल के सेंटर से अगर आप सर्कमफ्रेंस में कोई पॉइंट ज्वाइन करते हो तो दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. और अगेन सेकंड थिंग, ये मुझे स्क्वायर गिवन है तो दिस एंगल इज 90 डिग्री. ये 20 सेंटीमीटर हो गया. ए बी गिवन है, हाँ जी हाँ, तो ए बी कितना है, स्क्वायर है क्योंकि, तो दिस इज अगेन 20. अब पाइथागोरस थ्योरम, ओ बी आ जाएगा, देन वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट. एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस कर देंगे, वी विल गेट आवर आंसर. चलिए क्या लिखूं, क्या क्या गिवन है मुझे, ओ ए इज इक्वल टू ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ओ सी 20 सेंटीमीटर, दिस इज द साइड ऑफ द स्क्वायर. सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर. अब स्क्वायर का तो एरिया डायरेक्ट आ जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टू फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट. फॉर फाइंडिंग आउट द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट वी नीड टू फाइंड द रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट. सो फॉर फाइंडिंग रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट यूज ट्राइंगल ओ ए बी. ये आपकी रेफरेंस के लिए है कि बाद में कभी देखोगे तो इससे याद आ जाएगा. यूज राइट ट्राइंगल ए ओ बी. अब राइट ट्राइंगल ए ओ बी में ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर. सो दिस इज 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, दैट इज 2 times 20 स्क्वायर. तो ओ बी कितना आ जाएगा, 20√2. ठीक है, चाहो तो आप 800 करके 400 × 2 करके भी कर सकते हो, दैट इज अप टू यू, जैसे आपको कैलकुलेशन इजी लगे, इन दैट वे यू कैन डू. नाउ वी हैव गॉट दिस ओ बी एज 20√2 सेंटीमीटर. अब आप इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट करेंगे फॉर्मूलाज लगा के एंड यू विल गेट योर आंसर. सो यूजिंग 1 एरिया ऑफ शेडेड रीजन is what will be the area of quadrant, pi r square by 4 and area of square side into side. Chalo ab values put kar do. Area of shaded region quadrant pehle hum put karenge, that is pi ki value hume 3.14 given hai, so don't forget to take that. 3.14 into r is 20√2 square plus by 4 plus that is 20 × 2400. Simplify kar lo isko and you will get your answer. Unit jo hai that will be centimeter square. Anji to calculations maine thoda karni hai, paper mein aapne karni hai, number aapko milne hai.
और बच्चे घर पे भी जब प्रैक्टिस करते हो तो आप तो प्लीज अवॉइड करो कि कैलकुलेटर्स उठा लेते हैं बच्चे कैलकुलेशंस के लिए, तो एग्जाम्स में प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि आपकी फिर रिटन प्रैक्टिस नहीं रहती बिल्कुल भी। और फिर वही, अब तो अब ये देखो जो आपके एमसीक्यूज हैं, अगर उसमें कैलकुलेटिंग मिस्टेक हो गई आपकी तो इट मीन्स कि पूरा क्वेश्चन गया आपका। अदरवाइज क्या होता था कि कैलकुलेटिंग मिस्टेक का हाफ या 1 मार्क कट जाता होता था, बट अब है ही कैलकुलेशन से क्योंकि एमसीक्यूज हैं तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वहां किसी ने रफ में किया हुआ नहीं, आपका देखना आपके घर आके या स्कूल आके, तो यू हैव टू बी मोर अटेंटिव वाइल डूइंग योर कैलकुलेशन, क्योंकि अब जितने टॉपर्स हैं हमारे उनके ही मार्क्स लूज होने, तो बी अटेंटिव। ठीक है, कैलकुलेशंस जो है डू देम योर सेल्फ, डोंट ट्राई टू यूज योर मोबाइल्स और कैलकुलेटर्स या टैब्स वगैरह, अपने मत यूज करो कैलकुलेशंस के लिए। 871 सेंटीमीटर, हाँ जी अच्छा कहाँ, यस दिस इज माइनस, बच्चे मेक अ करेक्शन ओवर हेयर, दिस इज अ माइनस साइन ओवर हेयर, क्योंकि माइनस करना है यहाँ पे, हेयर इट इज माइनस, मैंने गलती से प्लस लिख दिया था। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑल्सो मेक अ करेक्शन ओवर हेयर, यहाँ पे मैंने पहले प्लस लिखा था, जस्ट कन्वर्ट दिस इंटू अ नेगेटिव साइन, माइनस आएगा यहाँ पे क्योंकि क्वाड्रेंट में से हम स्क्वायर का एरिया माइनस कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पे, आ गया समझ है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आप ही बता दोगे मुझे, फिगर देखते ही यू कैन टेल। शेडेड रीजन इज इक्वल टू, बिगर सेक्टर माइनस स्मॉलर सेक्टर, हमें गिवन है ये सेक्टर, एंड दिस इज द शेडेड एरिया। दिस एरिया वी आर टू फाइंड आउट, गिवन क्या क्या है हमें, ये 7 सेंटीमीटर और बड़े वाला 21 सेंटीमीटर, दिस इज ओ सी डी एंड ओ ए बी, तो वी आर टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ए बी सी डी। हाँ जी, थीटा कितने, 30, सब कुछ गिवन है। चलिए वैल्यूज कैलकुलेट करो जल्दी से, बताओ मुझे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आल्सो डू इट राइट नाउ, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ बिगर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर, बिगर सेक्टर का एरिया पाई आर स्क्वायर, आर कैपिटल आई एम यूजिंग फॉर दिस, और स्मॉलर वाले के लिए आई एम यूजिंग द स्मॉलर वन, बड़े वाले का जो रेडियस है दैट इज 21 सेंटीमीटर, छोटे वाले का रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, थीटा इज 30 डिग्री, तो पाई थीटा अपॉन 360 कॉमन, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू तो नहीं गिवन, हाँ चलो प्रोबेबिलिटी इज ऑल्सो देयर, 22/7, थीटा इज 30, दिस इज 360, दिस इज 21 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, तो मैं इसको ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी सीधा लिख रही हूँ यहाँ पे, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को मैंने आर माइनस आर और आर प्लस आर ले लिया, तो आपकी कैलकुलेशन इससे इजी हो जाती है। या ये तो वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 21 स्क्वायर आपको पता है 444, 1 माइनस 49 करके भी आप कर सकते हो, तो कैलकुलेशन दिस इज 12, यहाँ पे आपका 14 आ जाएगा, ये कट के रह गया 2 और 6, 11, देन 28 है यहाँ, तो 14 और ये 3, क्या आ जाएगा 11 × 14/3, कोई और चेक करो, टैली करो जल्दी से कैलकुलेशन, बी क्विक।
154/3। अच्छा ये 2 भी है, दिस इज 308/3, 308/3। क्लियर? चलें अगले पे। सिंपल, हमने एरिया ऑफ शेडेड रीजन लिया, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज एरिया ऑफ दिस बिगर सेक्टर में से अगर हम ये छोटे वाला एरिया माइनस कर दें तो हमारे पास रिमेनिंग पोर्शन का एरिया आ जाएगा। गर्ल्स हो गया बच्चे, लास्ट में समझ आ रहे हैं? आपका नेम क्या है? आस्था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 और 16 दोनों जो हैं आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एनी डाउट बच्चे? इन फिगर 12.33 ए बी सी इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद बी सी एज डायमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। एबीसी हमें गिवन है एक क्वाड्रेंट, फिगर बुक में गिवन है, सो वी कैनॉट चेंज द पोजीशन ऑफ ए एंड बी। अब वो क्या कह रहे हैं, रेडियस इसका गिवन है हमें 14 सेंटीमीटर, यानी कि ये हो गया 14 सेंटीमीटर। अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद बीसी एज डायमीटर, बीसी ये डायमीटर लेके इस पे एक सेमी सर्कल जो है वो ड्रॉ किया गया। फिर फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, हमें ये एरिया फाइंड आउट करना। अब यस, एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से अगर आप ये सेगमेंट का एरिया माइनस कर देते हो तो यू विल गेट योर आंसर। अब एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकलेगा? How will you find out the area of this segment? Yes, area of quadrant में से area of triangle क्या कर दोगे? Minus. तो आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, otherwise आप direct भी कर सकते हो इसको। क्या करोगे? Area of semicircle, इसमें से minus करना है मुझे area of segment. Area of segment क्या है? That is the area of quadrant minus area of triangle. ठीक है? तो पहले जो given है वो लिख लो। रेडियस 14 सेंटीमीटर। अब बीसी जो है वो डायमीटर था, तो इट मींस सर्कल का, सेमी सर्कल का हमें रेडियस निकालने के लिए वी हैव टू फाइंड आउट दिस बीसी आल्सो। हां जी, सो रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट हमें 14 सेंटीमीटर गिवन है, दैट इज एसी। तो ए बी आल्सो 14 सेंटीमीटर। So for finding BC, we are to apply the Pythagoras theorem in triangle, right triangle ABC. So in right triangle ABC, using Pythagoras theorem, BC square is equal to 14 square plus 14 square. अगेन देखो, जब भी इस तरीके से स्क्वायर्स होते हैं तो इसको मैं ट्वाइस ऑफ 14 स्क्वायर लिख सकती हूँ। 14 स्क्वायर को अगर मैं एज एक्स ट्रीट करूँ तो एक्स प्लस एक्स इज 2x, ठीक है? फिर ये एक्स रिप्लेस कर दिया। जब आप बीसी लोगे तो 14 स्क्वायर का रूट 14 आ जाएगा और 2 का रूट मैं यहाँ पे पीछे लिखती हूँ। सो डायमीटर जो है दैट इज 14√2। हाँ जी, यस, तो रेडियस आ जाएगा 7√2। चलो अब रेडियस आ गया, अब हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन, पहले सेगमेंट का अलग से लिखना है कि साथ ही लिख दूं? चलो, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। मैं दो पार्ट्स में लिख देती हूँ इसको, माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, अब एरिया ऑफ सेगमेंट को हम यहाँ नेक्स्ट स्टेप में फिर लिख देंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको कोई। दिस इज एरिया ऑफ सेमी सर्कल,
इसमें से हमने माइनस करना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से क्या माइनस हो रहा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। जैसे मर्जी कर लो, हाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहां से इरेज कर रही हूं इतना पार्ट। इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन आस्क। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो। समझ आ गया कैसे क्या निकला है? भाविन मार से बोर्ड दिख रहे बच्चे? अदरवाइज यू कैन चेंज योर सीट। चलो, सेमी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर बाय टू। पाई की वैल्यू तो नहीं गिवन। ओके, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, रेडियस क्योंकि सेम है तो मैं आर ही वहां पे लिख रही हूँ। एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? नाउ पुट द वैल्यू 22/7 इंटू आर, कितना आया? आर, ओके आर दो है हमारे पास, तो एक ये कैपिटल ले लो और यहाँ के लिए स्मॉल ले लो। ये वाला आ गया आपका, कितना है? 7√2, यही है बेटा। एक इस वाले का, ये क्वाड्रेंट का रेडियस है और एक सेमी सर्कल का। अब यहां मैं क्या ले रही हूँ? एरिया ऑफ सेमी सर्कल ले रही हूँ, मैंने उसको कैपिटल आर से डिनोट कर दिया तो ये ले लिया। ठीक है, तो पाई की जगह 22/7 इंटू 7√2 होल स्क्वायर अपॉन ये वाला 2 है। क्लियर? अब आगे माइनस, पाई की जगह 22/7 4 एज इट इज, आर कितना है इसका? 7। क्वाड्रेंट है ये, तो क्वाड्रेंट का रेडियस हमें कितना गिवन है? 14, नॉट 7, दिस इज 14। क्लियर? 14 गिवन है ना ये हमें। चलो, इसमें से माइनस करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इज 14, एल्टीट्यूड इज ऑल्सो 14। तो नेक्स्ट क्या लाइन होगी मेरी, क्या बोल लूंगी मैं आगे? यस, डू कैलकुलेशंस योरसेल्फ। ये 2 और √2 का स्क्वायर कैंसिल आउट होगा। मोस्टली बच्चों की गलती यहां होती है, 7 का स्क्वायर कर देते हैं, √2 का स्क्वायर नहीं करते। छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं बच्चे, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। बार बार मैं आप लोगों को यही बोल रही हूँ कि एमसीक्यूज में जरा सी कैलकुलेटिंग मिस्टेक मतलब पूरा सम गया। चलो, बाकी कंप्लीट कर लेते हैं। ये इजी होगी कैलकुलेशन, ये तो कर सकते हो। कितना आएगा आंसर? क्यों, कहां मिस्टेक है? चेक द कैलकुलेशंस बच्चे। ये क्या किया, ये कहां से आया है बच्चे? यहाँ 4 लिख दिया 14 की जगह। हाँ जी, डन बेटे। इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन आस्क। एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए हमने इस वाले सेमी सर्कल में से ये वाला सेगमेंट का एरिया माइनस कर दिया है, तो वी हैव गॉट आवर आंसर। एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए दिस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड खुद ही तो मना कर रहे थे आप लोग, चलो टुडे ऑनवर्ड्स आई विल सेंड। ठीक है, 10 क्वेश्चंस डेली। मुझे नहीं आता, मैंने इसको आई थिंक मैसेज किया था, वहां देख लेना। सीबीएसई के ना वो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स होते हैं। हाँ जी, क्या कह रहे हो?
कौन बोल रहा है ये? अच्छा, आपका नेम? ध्रुव मेहता। मैं इन बिटवीन स्कूल टाइम ही मुझे टाइम लगेगा तो आई विल से, ठीक है? मैं वो दे दूंगी ना, 2 दिन का दे दूंगी, टाइम लिमिट ज्यादा दे दूंगी ना, क्योंकि टेस्ट तो है नहीं है, हफ्ता क्या फायदा, हफ्ता फिर वो पढ़ा ही रहेगा, हफ्ते में मतलब 10 क्वेश्चन करने हैं बस। 10th सी से मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करती। चलो क्वेश्चन नंबर 16। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइंड रीजन इन द गिवन फिगर कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल्स ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। कुछ समझ आया स्टेटमेंट में? कुछ समझ आया? एरिया ऑफ डिजाइन रीजन कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल्स ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। ध्यान से फिगर देखो, अभी समझ आ जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं है। ये क्वाड्रेंट बन रहे, एक ये बन रहे, एक दूसरी तरफ बन रहे। हम एक पे ही कंसेंट्रेट करेंगे क्योंकि सिमेट्रिक है ये। अब जो शेडेड रीजन है वो ध्यान से देखना, शेडेड रीजन आपका ये वाला है, ठीक है? इनको अगर मैं ज्वाइन कर दूं, एक पे कंसेंट्रेट करेंगे हम, तो ये क्वाड्रेंट है मेरा, तो ये क्या बनेगा? सेगमेंट बन रहे, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। सेम वे में अब इसको भूल जाओ। हाँ जी हाँ जी, डबल कर सकते हो उसका, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। अब ये वाला जो है आपका ये याद रखो, और इधर से अगेन दिस। अब ये वाला पोर्शन शेडेड है इसका, सेम चीज है, सेम डायमेंशन है, तो इट मीन्स जब आपको ये भी फिगर गिवन है, फिगर देखने में बहुत टफ सी लग रही है, तो ये चीज आपको जो है वो ध्यान दे। क्वेश्चन में कुछ मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन में क्या है आपका एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, और उसका ट्वाइस कर दोगे तो आपका शेडेड रीजन आ जाएगा। बट फिगर अगर आप एकदम से देखते हो तो एकदम से ये स्ट्राइक नहीं करता। इन क्वेश्चन की यही स्पेसिफिकेशन है, फिगर को ध्यान से ऑब्जर्व करो, अगर फिगर समझ आ गई आपको कहाँ क्या क्या चीज यूज हो रही है। फॉर्मूले सिर्फ मोस्टली आपके 2 या 3 ही है यहाँ, उन्हीं से सारे डिराइव हो रहे हैं। चलो क्या लिखूं मैं, क्या क्या गिवन है? 90 डिग्री का एंगल है, 8 सेंटीमीटर की साइड्स हैं, क्वाड्रेंट है, तो रेडियस ऑफ द सर्कल बोथ सर्कल्स 8 सेंटीमीटर, थीटा 90 डिग्री, क्वाड्रेंट है तो ऑब्वियसली थीटा 90 डिग्री है, और क्या है? नेमिंग है इसकी कि दे दें, खुद दे दो फिर नेम, ए बी सी एंड डी। फॉर फाइंडिंग द शेडिंग रीजन, शेडेड रीजन, ये आप बेशक मत लिखो, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ। शेडेड रीजन निकालने के लिए हमने क्या करना है, वी आर टू फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट एक पार्ट हम शो कर देते, ठीक है? यहां लिख दो, इससे पहले यहां लिख दो, डिजाइंड रीजन इफ वी ज्वाइन डी एंड बी, इफ वी ज्वाइन, ये लिख लो ताकि बाद में याद आ जाएगा, बी एंड डी, देन BD divides the shaded region into 2 equal parts. So we will find out the area of the first shaded region. So area of shaded region is twice of area of half shaded region shown in figure. ठीक है,
अब इसको कैलकुलेट कर लो। तो ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने अभी किया है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। कुछ और निकालने की जरूरत है कि जो जो गिवन है उसी से आ जाएगा? चलो ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज पाई आर स्क्वायर बाय 4 माइनस हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। पुट द वैल्यू देन गेट योर आंसर। पाई की वैल्यू नहीं है तो 22/7। आर कितने हैं? 4 ये वाला आया, इट इज माइनस हाफ इंटू 8 इंटू 8। सिंप्लीफाई दिस एंड गेट योर आंसर। कहीं पे कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। सो विद दिस आर दिस चैप्टर इज ओवर। नेक्स्ट टेस्ट पॉलिनोमियल्स का है आपका, ठीक है, एंड उससे जो नेक्स्ट होगा दैट विल बी ऑफ दिस एरिया ऑफ एरिया गिवन सर्कल्स जो है आपका, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। क्यों, फिर ट्राइंगल्स भी तब तक शुरू हो जाएगा। सेप्टेम्बर के लिए नहीं है ना, वैसे तो है। हाँ तो 3 करवाऊंगी तो फिर वो आएंगी आएंगी। हाँ जी सेप्टेम्बर तक। अमृतपाल वहां पेपरों में बुक नहीं होनी साथ में आंसर देखने के लिए, कैलकुलेट कर लिया पूरा? फिर ठीक है। सो योर आंसर इज 256/7। 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाउ मच टाइम इज लेफ्ट? द सेम टाइम, 1 मिनट। ओके, टुमारो वी विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर प्रोबेबिलिटी, ठीक है। आज मैं आपके क्वेश्चन सेंड कर दूंगी प्रैक्टिस के लिए, 10 क्वेश्चन। चैप्टर बता दो मुझे कौन से के सेंड कर दूं। प्रोबेबिलिटी की भी मैं कर दूंगी, कर लेना वो, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे। पॉलिनोमियल्स, ओके। हाँ तो फिर वही सेंड कर दूं कि कोई और लेना है? आप बता दो मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके फाइन बच्चे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, आई एम एंडिंग द मीटिंग नाउ। हाँ जी।